हमारी आर्थिक व्यवस्था के बर्बादी का संचालन इन्होंने किया, प्रधानमंत्री ने किया, और इसी वजह से बेरोजगारी दर आप जानते हैं कितना है यहाँ पर। तो इसीलिए वो और ऐसे मुद्दे उठाएंगे, भावनाओं से खेलेंगे, जज्बातों से खेलेंगे, यही तो उनकी आदत है भाई, करिए। लेकिन जनता जागरूक है और आवाम हमारे पक्ष में है, हमें ही वोट देगी। जब यहाँ पर कमर तोड़ महंगाई होती है तो भाजपा क्या करती है, लोगों को बांटती है, बहकी बहकी बातें करती है और तरह की बातें करती है, ध्यान भटकाती है। ये तो उनकी पुरानी आदत है, वो तो उनकी फितरत है, उनकी तबीयत है। राहुल गांधी जी एक मुद्दा लेके आगे बढ़े हैं अभी से नहीं पहले से, वो है सामाजिक न्याय का मुद्दा। सब वर्ग को साथ लेके चलना है, लेकिन सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है, जो आवाम है वो हमारे साथ है, क्योंकि जो हमने कहा है वो किया है, जो गारंटी हम करते हैं और इसकी पुष्टि हो भी चुकी है कर्नाटक में, जो हमने कहा, जो वादे किए, वो हम अपनी मंजिल तक ले गए, उनको मुकम्मल किया। डॉक्टर अजय का यहाँ पर बहुत गहरा संबंध है इस शहर से, मैं उनके समर्थन में आया हूँ, बड़े भाई हैं वो, लेकिन इस शहर से है, यहाँ के लोगों से है, वो एक तरह से जननायक हैं। उन्होंने ये इस बात की पुष्टि कर चुके हैं जब वो अफसर थे, और उसके बाद लोगों के बीच में रहना, उनके दिलों की धड़कनों को समझना, पहचानना, ये वो जानते हैं। तो उनकी लोकप्रियता में कोई शक नहीं है, जानता हूँ कि निश्चित वो ये चुनाव जीतेंगे। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार जी के समर्थन पे अंशुल अभिजीत जी आए हैं, कांग्रेस नेता हैं, पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन की 5 सालों सरकार है, क्या लग रहा है, रिपीट होने जा रही है, बदलाव दिख रहा है आपको नजर से? इसमें कोई शक नहीं है, दोराय नहीं है, हम वापस आने वाले हैं। हम देखिए, चुनाव में तो जनता के पास जाना पड़ता है, उनका उनका विश्वास दोबारा जीतना पड़ता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है, जो आवाम है वो हमारे साथ है, क्योंकि जो हमने कहा है वो किया है, जो गारंटी हम करते हैं और इसकी पुष्टि हो भी चुकी है कर्नाटक में, जो हमने कहा, जो वादे किए, वो हम अपनी मंजिल तक ले गए, उनको मुकम्मल किया, यहाँ पर भी ऐसा ही किया, और जो 7 गारंटी है हमारी, उनको भी अपनी मंजिल तक ले जाएंगे, गारंटी पूरी करेंगे। एक तरह से इनको गारंटी कहते हैं, वादा भी नहीं कहते, क्योंकि लोग सब लोग जानते हैं कि जो कहते हैं वो हम करते हैं। नहीं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि बदलाव का माहौल है, हेमंत सरकार घुसपैठियों घुसा रही है, बदलाव करिए आप। नहीं नहीं, देखिए, जब बेरोजगारी दर इतना होता है, जब केंद्र सरकार इतनी नाकाम होती है, जब मुफलिसी फैली रहती है, जब यहाँ पर कमर तोड़ महंगाई होती है, तो भाजपा क्या करती है, लोगों को बांटती है, बहकी बहकी बातें करती है और तरह की बातें करती है, ध्यान भटकाती है, ये तो उनकी पुरानी आदत है, वो तो उनकी फितरत है, उनकी तबीयत है, इसमें कोई दो राय कहाँ है। तो इस तरह की बातें करेंगे, और जब ये मरकजी सरकार, केंद्र सरकार जब इतनी विफल रहती है कि आप नौकरी नहीं दे पाए, जो वादे हैं उनको नहीं कर पाए, जो कर्ज है जो राज्यों के वहां पर नहीं दे पाए, और सरना कोड बिल हो या फिर और कोई मामला हो, उसको मुकम्मल ना कर पाए, तो वो ऐसी बातें करेंगे। जमशेदपुर में आप पहुंचे हैं, डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि जमशेदपुर में मुख्यमंत्री का परिवार एक तरफ है, तो मुश्किल आसान इनको मुश्किल लग रहा है, कितना मुश्किल? देखिए, डॉक्टर अजय का यहाँ पर बहुत गहरा संबंध है इस शहर से, मेरे परिवार से है, ये तो मैं उनके समर्थन में आया हूँ, बड़े भाई हैं वो, लेकिन इस शहर से है, यहाँ के लोगों से है, वो एक तरह से जननायक हैं। उन्होंने ये इस बात की पुष्टि कर चुके हैं जब वो अफसर थे, और उसके बाद लोगों के बीच में रहना, उनके दिलों की धड़कनों को समझना, पहचानना, ये वो जानते हैं। तो उनकी लोकप्रियता में कोई शक नहीं है, लोग उनको चाहते हैं यहाँ पर आए। मैं और की बात नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि निश्चित वो ये चुनाव जीतेंगे। योगी जी आए थे, वो नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए, जो उनको कहना है वो अपना कह के चले जाते हैं, उनकी आदत तो आप जानते हैं कैसे वो लोगों को बांटते हैं, जो वो करते हैं वही वो कहते हैं भाई, और जो वो ऐसी बातें कहेंगे, प्रधानमंत्री जी भी इसी तरह के बयान देते रहते हैं, जो लोगों को बांटते हैं, ये कोई नई बात है नहीं, लोग समझदार हैं, आवाम ये जानती है कि क्या हो रहा है, कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और आवाम हम पर भरोसा करेगी, डॉक्टर अजय पे भरोसा करेगी, इस पे कोई शक नहीं।
प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, कल राहुल गांधी जी भी आज झारखंड पहुंचे हैं, कल जमशेदपुर में प्रोग्राम है, क्या लग रहा है राहुल गांधी के आने से कुछ माहौल बदलेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी झारखंड तमाम जगह पर गए थे? राहुल गांधी जी एक मुद्दा लेके आगे बढ़े हैं अभी से नहीं पहले से, वो है सामाजिक न्याय का मुद्दा। सब वर्ग को साथ लेके चलना है, लेकिन सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। जो गरीब है, जो वंचित है, शोषित है, उनको न्याय कैसे मिले यहाँ पर, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसीलिए शुरू हुई थी, वो मुहिम उसी लिए था, वो यहाँ पर आए। और मैं जानता हूं कि जो भी मुद्दे लेके आए, या आर्थिक व्यवस्था का मुद्दा हो, या सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, या फिर लोगों से रूबर करने का, तो यहां से जनता बहुत करीब आ गई है कांग्रेस से, जरूर फर्क पड़ा है और दोबारा आएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के जो नौजवान हैं, हर तरह के जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, और कांग्रेस की तरह तरफ आकर्षित होंगे चुनाव के पहले, और इसमें हमें फायदा होगा। लेकिन फायदा इसीलिए नहीं, वो इसीलिए कि हम जनसेवा में दोबारा उतर पाए। सत्ता हमें इसीलिए चाहिए, जनसेवा के लिए चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी, योगी जी, असम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम भाजपा के बड़े बड़े लीडर झारखंड में आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि इनके जो घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा झारखंड की जनता पर? अरे आए और आए, लेकर आए, ये तो चुनाव है भाई, ये तो उनका दायित्व है कि सब लोगों को लेके आए। लेकिन ये नहीं कि लोग ऐसे बयान करें कि जिसपे लोगों का बंटवारा हो, नफरत फैले, ये सब कहने के लिए कोई इजाजत नहीं देता हमारा संविधान। लेकिन वो फिर भी करते हैं, जब ये उनकी आदत है यहाँ पर, तो वो करते रहते हैं। भाई ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको लोकतंत्र सबको आमंत्रित करता है कि आइए मैदान में, आप प्रचार करिए, तो वो जितना भी आए आए, लेकिन जीत हम ही रहे हैं। क्या भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन घुसपैठियों को अंदर घुसा रहे हैं, जमीन, बेटी, रोटी सबको लूट रहे हैं, बचाना है तो भाजपा को वोट देना होगा? नहीं नहीं, तो यही तो मैंने कहा, जब आपके पास बेरोजगारी पर नियंत्रण है नहीं, जब गरीबी फैली जा रही है, जब कमर तोड़ महंगाई है, तो आप लोगों को बांटने का काम करते हैं, धार्मिक जो एक तरह से धार्मिक जो मुद्दे हैं वो सामने लाते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है, ये पहले शुरुआत से करते आ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नाकाम हो गए, विफल हो गए, और एक तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था के बर्बादी का संचालन इन्होंने किया, प्रधानमंत्री ने किया, और इसी वजह से बेरोजगारी दर आप जानते हैं कितना है यहाँ पर। तो इसीलिए वो और ऐसे मुद्दे उठाएंगे, भावनाओं से खेलेंगे, जज्बातों से खेलेंगे, यही तो उनकी आदत है भाई, करिए। लेकिन जनता जागरूक है, वो समझ चुकी है, और आवाम हमारे पक्ष में है, हमें ही वोट देगी। क्या हेमंत सरकार, एक पोस्टर लगा हुआ कि हेमंत सरकार दूसरी बार, तो लग रहा है कि रिपीट होने जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चित सुनिश्चित, आप देख लीजिएगा रिजल्ट, हम वापस आने वाले हैं, हमारी सरकार बनेगी, और जो हम दोबारा जो वादे किए हैं, जो स्कीम्स लाए हैं, जो मैया स्कीम्स लाए हैं, जो इतने लोकप्रिय हुए हैं, उनको जो स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल करेंगे, बल्कि और उनको सशक्त और मजबूत और सुदृढ़ करेंगे, ये हमारा वादा है, वादा नहीं, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। वो भी कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 2500 रुपए देंगे, भाजपा के लोग भी नाराज। अरे अभी तक तो किया नहीं, राजस्थान में नहीं किया और राज्यों में तो किया नहीं, कब तक करेंगे? उनके खोखले वादे होते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये फर्क है, और लोग जानते हैं ये। अब तक तो क्या, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये तो मजाक बन के हो गया है। अब नौकरी का वादा कर रहे हैं तो कौन विश्वास करेगा, आप बताइए मुझे, कोई विश्वास करेगा? भावनाओं से खेलना, फिर आखिरी में तो वो भावनाओं से खेलेंगे, जज्बात को उछालेंगे, ये करेंगे वो, तो यही उनके विकल्प रह गए हैं, कोई अहमियत नहीं है, जितने भी उनके वादे होते हैं खोखले होते हैं, अब लोग ये पहचान चुके हैं। झारखंड की जनता को क्या बता कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनसेवा में समर्पित हैं, हमारा पूरा समर्पण है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, और जो हमारी गारंटीज हैं, इनको गारंटी हम कहते हैं, इनको हम निश्चित अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, जैसे हमने पहले किया, जैसे हमने और राज्यों में किया। हम पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, क्योंकि हमारा भविष्य, हम मिलकर एक झारखंड का भविष्य बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अंशुल अभिजीत जी थे, जो पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, स्वर्गीय जगजीवन राम जी के पोते हैं, और यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी में डॉक्टर अजय कुमार जी के समर्थन में पहुंचे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।